आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडवर्ब क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और इनका सही यूजेस क्या है, यानी एक सेंटेंस में कौन से एडवर्ब को कहाँ लिखना चाहिए। ये लेसन एग्जाम के नजर से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए इस लेसन को शानदार तरीके से सीखते हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में आए वर्ब के बारे में बताती है कि ये काम कब हुआ या कैसे हुआ या कहाँ हुआ। आइए इस बात को डिटेल से समझें। एडवर्ब तीन तरह के होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा इंटरोगेटिव और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। तो आइए सबसे पहले देखें कि सिंपल एडवर्ब क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है, फिर हम सीखेंगे कि रिलेटिव एडवर्ब क्या है। सिंपल एडवर्ब में सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो एडवर्ब जिससे किसी काम करने का तरीका का पता चलता है या ढंग का पता चलता है, यानी पता ये चलता है कि ये काम कैसे हुआ या किस तरीके से हुआ। Quickly, bravely, happily, hard, fast, well, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। यानी इन सभी वर्ड से काम करने का ढंग या तरीका का पता चलता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह अच्छा खाना पकाती है, तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूँगा शी कुक्स वेल। मैंने यहाँ बोला वेल, और यही वो वर्ड है जिससे उसके खाना पकाने का ढंग का पता चला कि वो कैसी पकाती है, यानी पता ये चला कि वो अच्छी पकाती है। मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट। यहाँ पर वर्ड फास्ट एक एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर है, जिससे दौड़ने का ढंग का पता चला कि कैसे दौड़ा जा रहा है, तो जवाब मिला तेज दौड़ा जा रहा है। मैं कैसे दौड़ता हूँ, तो जवाब मिला कि मैं तेज दौड़ता हूँ। अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं, तो आप कैसे बोलकर अपना वर्ब बोलें। जब आप कैसे बोलकर अपना वर्ब बोलेंगे, तो अगर आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वो सामने आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ मैं कैसे दौड़ता हूँ, आंसर मिला तेज दौड़ता हूँ। वह कैसे पकाती है, अच्छा पकाती है, तो यहाँ वर्ड अच्छा एडवर्ब ऑफ मैनर है। वह कड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ वर्ड हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, जिससे काम करने का ढंग का पता चला कि वह काम कैसे करता है, तो पता चला कड़ी मेहनत से करता है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, वी आर क्वाइट वेल। यहाँ पर वेल एक एडवर्ब है जो सेंटेंस में आए एडजेक्टिव क्वाइट को मॉडिफाई किया, यानी क्वाइट के बारे में बताया कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि एडवर्ब ऑफ मैनर वो वर्ड होता है जिससे काम करने का ढंग का पता चलता है या काम करने के तरीका का पता चलता है, पता ये चलता है कि काम ऐसे हुआ या वैसे हुआ। वो सभी वर्ड्स जिनसे टाइम का पता चलता है, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली या इमीडिएटली, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे टाइम का पता चलता है, इसीलिए इन सभी वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो कि वह आज आएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही विल कम टुडे। यहाँ मैंने बोला टुडे, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे टाइम का पता चला और वह टुडे कम को मॉडिफाई कर रहा है, यानी आने की प्रोसेस को बता रहा है कि कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, अब आएगा या तब आएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सेंटेंस में वर्ड टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैंने उसे कल देखा, आई सॉ हिम यस्टरडे। यहाँ पर आया वर्ड यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसे टाइम का पता चला। किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं, अगर आप इस बात को नहीं जान पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं, तो अगर आप कब बोलकर अपना वर्ब बोलें, तो आपके सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो वो सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया वह आज आएगा, तो अगर मैं यहाँ पर कब के साथ वर्ब बोलूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम आया है या नहीं। जैसे कब आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा कि आज आएगा। अगर दूसरे वाले सेंटेंस में आप बोलें कब देखा, तो आपको आंसर मिलेगा कल देखा। तो अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं,
अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कब बोलकर अपना मेन वर्ब बोलें। अगर आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है तो वो सामने आ जाएंगे। वह रोज यहाँ आती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी कम्स हेयर एवरी डे। यहाँ वर्ड एवरी डे एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसे टाइम का पता चला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को सीखा कि वे सभी वर्ड्स जिनसे टाइम का पता चलता है वे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। वे सभी वर्ड्स जिनसे जगह का पता चलता है यानी स्थान का पता चलता है उसे हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं, जैसे हेयर, देयर, हीदर, एवरीवेयर, आउट और फॉरवर्ड। ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं क्योंकि इन सभी वर्ड से जगह का पता चलता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कहाँ बोलकर अपना मेन वर्ब बोलें, अगर वाकई आपके सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगे तो वो सामने आ जाएंगे। आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। यहाँ पर आया वर्ड देयर एक एडवर्ब है जिसे जगह का पता चला। अगर मैं कहाँ बोलकर मेन वर्ब बोलता तो मुझे पता चल जाता कि मेरे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस है या नहीं। जैसे कहाँ गया तो आपको आंसर मिलेगा वहाँ गया। अगर आपको कहना हो कि वह बाहर इंतजार कर रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज वेटिंग आउटसाइड। यहाँ मैंने बोला आउटसाइड, यह एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसे जगह का पता चला कि वह यहाँ है या वहाँ है, अंदर है या बाहर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस वो वर्ड होते हैं जिनसे जगह का पता चलता है। आइए फ्रेंड्स अब अगला एडवर्ब्स देखें। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनसे फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। कहने का मतलब ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि काम कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार, कई बार या अक्सर या फिर हमेशा। तो ऐसे एडवर्ब्स जिनसे ये पता चलता है कि काम कितनी बार हुआ उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जैसे ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस एटसेट्रा। ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैं उनसे दो बार मिला तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मेट हिम ट्वाइस। यहाँ मैंने बोला वर्ड ट्वाइस, ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे पता चला कि कितनी बार ये काम हुआ। अगर आपको कहना हो आप हमेशा लेट रहते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर ऑलवेज लेट। यहाँ सेंटेंस में आया ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे पता चलता है कि ये काम कितनी बार होता है या कब कब होता है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब्स को लिखना कहाँ है, यानी वर्ब के बाद लिखना है या वर्ब के पहले लिखना है, यानी इसका करेक्ट पोजीशन क्या होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो के लास्ट में मैं इस बात को जरूर बताऊंगा कि कौन से एडवर्ब को कहाँ लिखा जाना चाहिए या कौन से एडवर्ब को कहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी एडजेक्टिव के साथ ही आते हैं और वे उस एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, यानी उनके बारे में कुछ बताते हैं। इस तरह के वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। ऐसे वर्ड से पता चलता है कि कोई काम किस सीमा तक हुई। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को अच्छा से समझ सकें। वह बहुत थका हुआ है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज वेरी टायर्ड। यहाँ पे वर्ड वेरी एक एडवर्ब है जो एक एडजेक्टिव टायर्ड के साथ आया हुआ है और यहाँ पर एडवर्ब वेरी वर्ड टायर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी थकने की डिग्री को बता रहा है कि कितना थका हुआ था। तो बातों से पता चला कि बहुत थका हुआ था। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यही पता चलता है कि कोई काम किस हद तक हुआ। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो कप लगभग भरा था तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कप वाज नियरली फुल। यहाँ मैंने बोला नियरली जिसका मतलब होता है करीब करीब या लगभग, जो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिससे एक हद का पता चला, एक सीमा का पता चला कि इस सीमा तक ये काम हुआ, यानी कप इस हद तक भरा हुआ था। वह बहुत मजबूत है, ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे वर्ड क्वाइट एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिससे किसी सीमा का पता चल रहा है कि वो इस हद तक मजबूत था। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में पता चला
कि वे सभी वर्ड्स जिससे एक हद का पता चले, एक सीमा का पता चले, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाते हैं। और आमतौर पर ये वर्ड्स एक एग्जेक्टिव के साथ आते हैं जो उस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। वो वर्ड्स जिनसे किसी काम के होने का वजह का पता चलता है, यानी कारण का पता चलता है, उसे हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहते हैं। यानी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये काम क्यों हुआ, किस वजह से हुआ या किस कारण से हुआ। देयरफॉर, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं, यानी इनसे काम करने का कारण या वजह का पता चलता है। वर्ड सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कहते हैं। यानी ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिससे सकारात्मकता या नकारात्मकता का सेंस होता है। यानी ऐसे वर्ड से किसी काम के होने या न होने का पता चलता है। इनमें से जिन वर्ड से किसी काम के होने का पता चलता है उसे आप एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं, और जिस वर्ड से काम होने का पता नहीं चलता है उसे आप एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहते हैं। यानी यहाँ पर वर्ड नेवर, इसे काम नहीं होने का पता चलता है, इसीलिए वर्ड नेवर एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नेवर टेल अ लाई। वह जरूर आएगा, ही विल कम श्योरली, यानी वह जरूर आएगा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन हैं। आइए सीखें कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना होता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जिनसे सवाल पूछने का काम किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। When, how, what, where, how much, how many, how long, how far, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल पूछने के काम आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इस सेंटेंस में आया वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब है जिसे सवाल पूछा गया। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। इस सेंटेंस में आया व्हेन इंटरोगेटिव एडवर्ब है जिसे सवाल पूछा गया। आप यह कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू दिस। इस सेंटेंस में आया हाउ एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है जिसे सवाल पूछा गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि ये सभी वर्ड्स इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं जिनसे सवाल पूछने का काम किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जानें। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। यानी ये सभी वर्ड्स किसी सेंटेंस के शुरू में नहीं आते, बल्कि ये किसी वर्ड के बाद आते हैं। यानी कई बार इस तरह के वर्ड किसी नाउन के बाद आते हैं या किसी वर्ब के बाद आते हैं, तो वहाँ पर ये सभी वर्ड्स रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाते हैं। बहुत सारे लर्नर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करा दूँ। अगर ये वर्ड्स शुरू में आए हैं, यानी इनके पहले कोई दूसरा वर्ड नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी इनसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं जहां मैं इनमें से कोई एक वर्ड का यूज करूं और उसके पहले मैं कोई और वर्ड लिखूं, यानी कोई नाउन लिखूं या कोई वर्ब, तो उस सूरत में ये वर्ड्स सवाल पूछने का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये वर्ड्स उस सेंटेंस में एक रिलेशन का काम करते हैं। अपने पहले आए वर्ड के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, यानी एक रिश्ता कायम करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। यहाँ इस सेंटेंस में आया वर्ड हु एक रिलेटिव एडवर्ब है जो कि एक नाउन यानी बॉय के बाद आया हुआ है, और ये वर्ड अपने पहले आए नाउन के साथ एक रिलेशन बना रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ड हु मींस होता है कौन, जिससे सवाल पूछा जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में वर्ड हु से कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ड हु इंटरोगेटिव एडवर्ब नहीं है, बल्कि रिलेटिव एडवर्ब है। मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो वेयर यू लिव।
यहाँ आपके सेंटेंस में आया वेयर पर आप गौर करें। यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ वेयर का मतलब है जहाँ। यहाँ वर्ड वेयर से कोई सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर आया वर्ड वेयर अपने पहने वाले वर्ड के साथ एक रिलेशन दिखा रहा है या रिश्ता कायम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। मुझे वह घर याद है जहाँ मैं रहता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई लिव्ड। अगर आपको कहना हो आप खा सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन ईट वॉट यू वॉन्ट। यहाँ पर आया वर्ड वॉट एक रिलेटिव एडवर्ब है जो अपने पहले आए वर्ड के साथ एक रिलेशन दिखा रहा है। आइए सीखे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एक एडवर्ब को सेंटेंस में कहाँ लिखना चाहिए या कहाँ नहीं लिखना चाहिए। आइए सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, यानी उस एडवर्ब्स की बात करें जिसे काम करने का ढंग का पता चलता है या काम करने का तरीका का पता चलता है। ये एडवर्ब्स हैं स्लोली, केयरफुली, इजीली, कामली, फास्ट एटसेट्रा। ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप इसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखें। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं मैंने एडवर्ब्स ऑफ मैनर को वर्ब के बाद लिखा है, और अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मैंने एडवर्ब्स ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये बात सीखा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अगर हम बात एडवर्ब्स ऑफ टाइम की करें, यानी उन एडवर्ब्स की बात करें जिससे टाइम का पता चलता है या वक्त का पता चलता है, जैसे नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे एटसेट्रा। ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जिन्हें वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने एडवर्ब्स ऑफ टाइम को वर्ब के बाद लिखा हुआ है, या अगर मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, ऑफन, जनरली, नेवर, रेयरली, ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, और इसे आप सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखेंगे। बाय द वे, अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो जहां हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, तो उस कंडीशन में आप इन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। यानी छोटा में आप ये समझ सकते हैं कि ये सभी वर्ड्स मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल मेन वर्ब के पहले किया हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब जिनसे जगह का पता चलता है, उसे हम मेन वर्ब के बाद लिखते हैं, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जहाँ मैंने एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। आइए अब सीखें कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करना है। जैसा कि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसी एग्जेक्टिव के पहले आते हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को उस एग्जेक्टिव के पहले लिखते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को किसी एग्जेक्टिव के पहले लिखा है, यानी उस एग्जेक्टिव के पहले लिखा है जिसे वो मॉडिफाई कर रहा है। आइए अब सीखे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन को एक सेंटेंस में कहाँ यूज करना चाहिए। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन को बी फॉर्म के बाद लिखा जाता है, यानी इजारम, वाजवर या शैलविल, इनके बाद लिखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन का इस्तेमाल हम सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के लास्ट में भी करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब कुछ और छोटी छोटी बातें सीख लें, ताकि लर्निंग में कहीं कोई कमी ना रह जाए। अगर आपके एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आए हुए हों, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें जो है MPT, यानी सबसे पहले आपको लिखना चाहिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर,
यानी वो वर्ड जिसे काम करने का तरीका या ढंग का पता चले। उसके बाद आपको लिखना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब जिसे जगह का पता चले। और फिर लास्ट में आपको लिखना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो एडवर्ब जिसे टाइम का पता चले। तो अगर आपके एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आ गए तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखें। उसके बाद जब एडवर्ब्स लिखने का चांस हो तो सबसे पहले आप लिखें एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आप लिखें एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लास्ट में लिखें आप एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि यहाँ पर आप कई सेंटेंसेस देख सकते हैं, इनमें जो वर्ड्स रेड हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, और इनमें जो दूसरा वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसमें जो तीसरा वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए फ्रेंड्स लास्ट में एक और दिलचस्प बात सीख लें। इवन और ऑनली दो ऐसा वर्ड है जिसे आप सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं, इसे वर्ब के पहले भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे वर्ब के बाद में लिख सकते हैं। यानी इन दोनों वर्ड्स को आप सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं और वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जब आप इनका पोजीशन इधर उधर करेंगे तो इनके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंसेस लिखा हुआ है, और पहले सेंटेंस में मैंने ऑनली का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले किया है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने ऑनली का इस्तेमाल वर्ब के पहले किया है, और तीसरे सेंटेंस में मैंने ऑनली का इस्तेमाल वर्ब के बाद किया है। तो आइए देखें इन सब का क्या मीनिंग है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑनली सी कैन स्पीक, यानी सिर्फ वह बोल सकती है। यानी इस सेंटेंस का सेंस है कि कोई दूसरा नहीं बोल सकता है, सिर्फ वह बोल सकती है। अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें, सी कैन ऑनली स्पीक, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ वह सिर्फ बोल सकती है। यानी इस सेंटेंस का सेंस है कि वह लिख नहीं सकती है, वह सिर्फ बोल सकती है। और तीसरा सेंटेंस है सी कैन स्पीक ऑनली, यानी वह सिर्फ बोल सकती है। इस सेंटेंस का सेंस है कि वह सिर्फ बोलने का काम कर सकती है, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकती है। यानी खाना पकाने का काम नहीं कर सकती है, बाजार जाने का काम नहीं कर सकती है, वो कोई काम नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो एक काम कर सकती है, वो है बोलना। कि जब मैंने एडवर्ब ऑनली का पोजीशन सब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद किया तो कैसे उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस लेसन को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।